पर तो कृष्ण जैसे बंसुरी बजाते थे, कैसे खड़े होकर के बंसुरी बजाते थे ना, जो इसी ललित त्रिभंग रूप में जो कृष्ण बंसुरी बजाते थे, और एक ही स्थान है जहाँ पर कृष्ण जब यहाँ खड़े हुए उनका पूरा चरण पूरा और एक चरण ऐसे जैसे ये चिन्ह एकदम एग्जैक्टली वैसे चिन्ह ही है पंजाब पंजाब एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कृष्ण ऐसे जो बंसुरी बजाते थे ये एक चिन्ह है यहाँ नहीं। और एक स्थान है शेष साई, क्या नाम है शेष साई, वहां पर तो ठाकुर जी की इतने बड़े बड़े चरण है, एक चरण नहीं वहां पर तो हजार हजार चरण देखने को मिलेगा। हाथी का भी चरण चिन्ह, हिरण का भी चरण चिन्ह, सब वहाँ चरण 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 चिन्ह, बहुत सारे चरण चिन्ह देखने को मिलेगा। माता जी कोई बात मत करो, ये माला खरीदी करने कथा सुनने आई है, इनका मुंह में पट्टी बांध दो सब। इसलिए वहां पर भी बहुत बड़ी चरण चिन्ह, वहां पर भी क्षीर सागर है। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में गोपियों के साथ में लीला करते करते कृष्ण भी वहां पर बहादुरी मारे, बोले जानते हो मैं कौन हूँ, बोले कौन हूँ, बोले जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुई, अब ब्रह्मा मेरे आदेश पर ही ये दुनिया को सृष्टि की है। गोपियों ने कहा बहादुरी मारना, हर जगह तू बहादुरी मारते हो, मैं भगवान 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 तो अनंत नाग बड़े सही ने किए थे, बोले हाँ, बोले दिखा सकते हो, बोले चिंता क्यों करते हो, कृष्ण स्मरण करते सख्यात अनंत देव प्रकट हुए, भगवान कृष्ण स्वयं और अनंत नाग पर सहन किए, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी, सारे देवता स्तुति कर रहे थे, वहां पर इतने चरण चिन्ह इतने चरण चिन्ह, लेकिन वहां पर ये बड़ी गाड़ी जागी जाएगी नहीं, इसलिए हम लोग वहां पर गए नहीं। इसलिए आपको यहाँ पर कल एक चरण चिन्ह नंदगांव में देखा था, और ये चरण चिन्ह यही पर है, कृष्ण यही पर खड़े होकर के सारे गैया बछड़े को छोड़ देते थे, यही पर कृष्ण लास्ट में जब वापस जाना चाहते थे यही पर कृष्ण बंसी ध्वनि करके सारे गैया को एकत्रित करते थे, फिर यहाँ से चलते थे। इसलिए भागवत में बताए तेज बारी मृदा जथा विनिमयम जत्र त्रिसर्ग मृषा, कहते भगवान की जो बंसी ध्वनि है इसलिए भगवान की विशेष करके कृष्ण के चार विशेष गुण है, चार विशेष गुण में एक गुण है बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारी थी अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलकुजित। इसमें श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान की बंसी ध्वनि की ऐसे चमत्कारिता था, कृष्ण जब बंसी बजाते थे पूरा के पूरा मृदा मृदा मतलब होता है गिरिराज गोवर्धन एकदम द्रवीभूत होकर के पानी पानी कीच कीच हो जाता था, जहां पर गैया बछड़े जहां खड़े होते थे वहीं पर उनका चरण का छाप यूं की त्यूं पड़ी जाती थी, और यमुना नदी उल्टी बहने लगी जाती थी, चंद्रमा कहते एक चंद्र सरोवर है जहां पर चंद्रमा एक जगह पर स्तंभित होकर एक जगह पर टिक गई है। भगवान की बंसी ध्वनि की इतने महिमा भगवान की कृष्ण की थी, इसलिए ये जो बंसी ध्वनि एक समय श्री सब लोग कह रहे हैं भैया ये जो चरण चिन्ह है ना देखो सबके सब एक तरफ में है, ये एक तरफ में चरण चिन्ह क्यों है, ये चरण चिन्ह इधर भी उधर भी तो होनी चाहिए ना, ये चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों, बोले भैया इसका रहस्य इसरे जीव गोस्वामी बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकते है। जब जीव गोस्वामी को बोले इनका चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों पड़ा हुआ, बोले कारण यही है कृष्ण जब जा रहे थे ना तब कृष्ण ने बंसुरी बजाए और जाते समय चरण चिन्ह एक तरफ में होता है इसलिए चरण चिन्ह एक तरफ में, आते समय बजाई नहीं इसलिए द्रवीभूत तो हुई नहीं इसलिए एक चरण में, इसलिए कृष्ण यहाँ पर गैया चराए। और यहीं पर बहुत सारे लीला हमारा संप्रदाय के एक श्री प्रबोधानंद सरस्वती हुए हैं, ये पास में एक लुकलु की कुंड है, ये पास में ही लुकलु की कुंड है जहाँ पर कृष्ण लुकलु की जहाँ पर अपना सखाओं को साथ में लुकलु की खेलते थे, कभी राधा रानी एक तरफ में कृष्णा कृष्ण सखा एक तरफ में, कृष्ण कभी कभी क्या करते अंदर में जैसे मगरमच्छी होता है ना ऐसे धीरे 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 जाते थे और राधा रानी का चरण पकड़ खींच लेते थे और राधा रानी तो डर जाती थी कृष्ण उठते नहीं फिर नीचे नीचे आकर फिर उधर उठते थे, कभी सखाओं के साथ में कभी सखियों के साथ में कृष्ण लुकलुक खेलते थे, इसलिए ये स्थान का नाम लुकलुकुंडी। और यही पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते प्रबोधानंद सरस्वती कौन है, बोले कृष्ण लीला में ये तुंग विद्या सखी है,
और जिन्होंने ये राधा रस सुधा निधि ग्रंथ जो अपूर्व ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में राधा रानी की जो उन्होंने महिमा उन्होंने बताई, इसलिए उसका नाम है राधा रस सुधा निधि। राधा रस की समुद्र की, वो समुद्र जैसे एक एक श्लोक में राधा रानी की महिमा, अपूर्व रूप में राधा जी की महिमा को उन्होंने गुणगान किया है, जिसमें कहते वैदग्ध सिंधु, जैसे सात समुद्र है राधा रानी के अंदर में भी, ये सारे सात समुद्र राधा जी के अंदर में भी विद्यमान है। जहाँ पर इसमें एक श्लोक है, कहते जत किं करि सु बहु सह खलु काग वाणी, नित्यं परस पुरुषस्य शिखंड मौले, जस्या कदा रस निधे वृषभानुजाया, तत केल कुंज भवनांग निमार्जन श्याम। यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, क्या मेरी ऐसे कभी सौभाग्य होगा? बोले भैया कौन सा सौभाग्य चाहते हो? बोले जिस निकुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई, अब वो कहती है आज कोई मैं काला चीज देखना नहीं चाहता हूँ, देखो ये भ्रू जो काली है ना उसको भी चंदन लगाकर सफेद कर दो। बोले चोटी क्या करोगे? बोले फूलों की माला से चोटी को भी सफेद कर दो, आज मैं इसी काले चीज को देखना नहीं चाहता हूँ। इतने में श्याम सुंदर श्री राधा रानी से मिलने आती है और सखी मंजरियों को वो दरवाजा में खड़ी कर देती है, ये काले को अंदर में घुसने मत देना। इतने में कृष्णा आते हैं, बोले थोड़ी सी श्री किशोर जी से मिलने दो, लेकिन कहाँ पर? कहते उनकी मंजरियों को चरण में, उनके मंजरियों को चरण में वो वहां पर प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, क्या कभी मेरी ऐसे सौभाग्य होगा जिस निकुंज में श्री राधा रानी मान कर रही, उसी जब सखियां वो कुंजों को झाड़ू लगाते हैं, क्या उसका कहीं मैं एक सलाह का हो पाऊंगा? ऐसे ऐसे अद्भुत, बोले ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूहप्यदार बिंदम श्रीमात पराग परमात भूत वैभवया। राधा रानी की चरण की महिमा गाते हैं, बोले राधा रानी की चरण की जो पराग है वो पराग की कितने महिमा है, बोले ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह, ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए ब्रह्मा स्वयं ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा की बात सुन ईश्वर शंकर वो गोपी रूप भी धारण कर लिए, तभी प्रवेश नहीं कर पाए, उनको निकाल दिए। लक्ष्मी बैठ कर तपस्या कर रही है, उद्धव जिनकी चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादि, स्वरादि मतलब जो आदि ईश्वर कृष्ण है, बोले इनकी बात छोड़ दो, अगर कभी राधा रानी मान कर दी ना, भैया कृष्ण को भी बड़े परिश्रम करना पड़ता था राधा रानी की चरण को दर्शन करने के लिए, इसलिए कभी कभी कृष्ण कहते हैं राधे तू जब मान करती हो ना, तेरे मान को मनाने के लिए मेरे को गिरिराज उठाने में जितने ताकत नहीं लगा और अघासुरू बकासुरू मारने के लिए जितना ताकत नहीं लगती है ना, तेरे को मनाने में इतने ताकत। आप लोगों ने कभी मनाते होगे अपना पत्नियों को, जो मनाते होगे आपको पता चला होगा, इसलिए उसी जगत का ये छाया है, इस जगत की ये छाया है। इसलिए कहते राधा जी की चरण की इतने महिमा, उसी दिन बता रहे थे ना हमारे श्री माधव प्रिय प्रभु, इसलिए किसी भक्त ने कहा मैं तो श्याम रंग में रंगी, क्या बोले मैं कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। सचमुच बहुत सुंदर एक पद था, बड़े बड़े संतों के पास में गया, बड़े खुश हुए भैया क्या सुंदर उन्होंने पद लिखे, लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी को पास में पद आता है ना, जीव गोस्वामी एक श्लोक लिखकर भेज देते हैं, क्या लिख देते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत अटबिम असंभाष तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रसश्चावगा। बोले भैया कृष्ण रस समुद्र में गोता लगाया, इतने आसानी मत समझो, कृष्ण जैसे तीन जगह में टेढ़े है ना, उनको नाम जैसे टेढ़ी, उनकी गली भी टेढ़ी, वो भी टेढ़े हैं, इसलिए बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ो जमुना तेरो टेढ़ी, टेढ़ी रो टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी। बोले भैया कृष्ण जैसे टेढ़ सब टेढ़ी है, बोले भैया ये टेढ़े टांग को पाना इतना आसानी नहीं, लेकिन अगर उनको पाना चाहते हो क्या करो, तीन चीज को अपना लो, क्या है, राधा रानी की चरण की धूल को, उनकी चरण को द्वारा अंकित वृंदावन धाम, और सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु राधा रानी रस में जो संत डूबे हुए हैं, जब तक भैया उनके संग उनकी चरण की धूल में अभिषेक नहीं होगा ना, कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं भूलेंगे। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती वो ग्रंथ में
इतने सुंदर जो एक एक श्लोक उन्होंने जो वर्णना किया ना, अद्भुत रूप में राधा जी की महिमा। इसलिए उनका भी ये भजन कुटीर और कृष्ण का ये चरण चिन्ह है, लेकिन ये चरण चिन्ह में कृष्ण के 19 चिन्ह है। कितना हम कहते हैं ना, ठाकुर का चरण को स्मरण कर सब दुख दूर हो जाएगा। बोले क्यों, कारण क्या है? बोले कारण ही उनके चरण में चक्र है। क्या है? अगर उसको स्मरण करोगे ना, जीवन में जितने कोई अगर बाधा विपत्ति आए, बस वो चक्र खत्म करता। अगर कोई तुम्हारी शत्रु हो ना, शत्रु कौन है सबसे बड़े? काम क्रोध लोभ शत्रु, उसको स्मरण कर दो, सारे शत्रु तुम्हारे खत्म। उनके चरण में जव है, बोले उसको स्मरण करोगे, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। उनके चरण में ध्वजा है, उसको स्मरण करके सारा दुनिया में जय जयकार होगी। उनके चरण में कमल है, कमल से जैसे खुशबू निकलती है, चरण को स्मरण करोगे ना तुम्हारे भी जीवन में खुशबू आएगी। उनके चरण में स्वस्ति है, उसको स्मरण करोगे तो जीवन में मंगल मंगलमय होगा। गदा, गदा को स्मरण करोगे ना, जितने काम क्रोध लोभ को मार मार के खत्म कर देगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक एक चरण चिन्ह को एक ग्रंथ है। क्यों कृष्ण का चरण में कमल किया, इतने सुंदर उसमें व्याख्या दिया है। इसलिए भगवान की चरण चिन्ह है, उसको दर्शन करो। जिनकी अपराकृत नेत्र है आप देख सकते हो उसमें कैसे ये 19 चिन्ह रखा हुआ। और उसमें प्रार्थना करो, सबसे भक्ति में जो हमारी बाधा है, देखना कोई गंदी चीज में कोई बाधा नहीं है। शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उल्टा पुल्टा, देखना कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन भक्ति करना शुरू कर दो। गले में थोड़ा कंठी माला तिलक पहनना शुरू कर दो, देखना कि कुत्ता तक भी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा। पति बेटा बेटी कुत्ता तक भी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा। बोले ये कौन सा रोग बीमारी आ गई, कंठी माला तिलक, इसमें सबसे ज्यादा विपत्ति। इसलिए बोले भक्ति मार गई है कोठी, कंठ करु तब करोड़ों कांटा झुकते हैं। हाँ? इसलिए चरण में प्रार्थना कर, ठाकुर जी अपना कृपा करो हमारे ऊपर में। भक्ति जगत में जितने बाधाएं हैं सारे बाधाएं दूर हो जाए। और एक जीवन क्या करो, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में किसी तरह से, मेरे गुरुदेव कहते थे एक जीवन किसी तरह से जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गले में कंठी तिलक माला हरि नाम जो कर रहे हो, मेरे गुरु जी कहते थे एक जीवन अगर किसी तरह से ऐसे तुम्हारे बीत गई ना, मेरे गुरु जी कहते थे बहुत तुम्हें कुछ कर गए हो। क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होना तब तक भजन होना इतना आसानी नहीं। इसलिए प्रार्थना करो गुरु वैष्णव से, चरण से, किसी तरह से एक जीवन में सत लांछना सत गंजना सत अपमान सह करके भी प्रभु की भक्ति जैसे नहीं छोड़े। भले ही ये दुनिया छूट जाए, छूटेगा तो दुनिया, लेकिन प्रभु की भक्ति हमारी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, चरण पहाड़ी की, बोलवे ना प्रभु।